तो देखिए दोस्तों, आज थी 9 तारीख, 9 तारीख मतलब 9 मई थी, और आज LIC के IPO में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। आज जो है LIC का IPO क्लोज हो चुका है। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया वो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया है तो अब वो नेक्स्ट जो IPOs आने वाले हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आखिरी दिन था, तो आज बहुत ही बम्पर और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है LIC के IPO में, और इतना उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, उससे भी ज्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि LIC के IPO को टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, और सारे जो IPO चल रहे हैं उनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कितना चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज टोटल जो LIC का IPO सब्सक्राइब हुआ है 2.95 गुना, बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है। करीबन करीबन माने तो 3 गुना के आसपास ही जो LIC का IPO है सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस पर जो टोटल पैसे लग चुके हैं 43,933 करोड़ रुपए, बहुत ही जबरदस्त और ह्यूज अमाउंट है। उससे पहले अगर बात करें तो 5600 करोड़ रुपए के आसपास जो है एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए थे, और अभी जो टोटल पैसे लगे हैं IPO खुलने के बाद लगभग 43,933 करोड़ रुपए। टोटल इसका जो इश्यू साइज था 21,000 करोड़ रुपए, उसके मुकाबले बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन और बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सक की गई है LIC के IPO द्वारा, मतलब इतना ज्यादा पैसा लगा है LIC के IPO में, तो थोड़ा बहुत मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा। और दोस्तों, इसका जो QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 2.83 गुना, NII पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 2.91 गुना। तो दोस्तों, ये 2.83, 2.91 गुना अगर आपको छोटे लग रहे हैं तो इसका जो इश्यू साइज है बहुत बड़ा है, उस हिसाब से ये बहुत बड़ा आंकड़े हैं। फिर दोस्तों, इसका जो रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 1.99 गुना। आपको लग रहा है कि रिटेल पोर्शन कम कैसे सब्सक्राइब हुआ, तो देखिए दोस्तों, रिटेलर्स के अंदर कुछ एम्प्लॉइज आते हैं, कुछ आते हैं पॉलिसी होल्डर्स, तो काफी वहां भी बढ़ गए हैं। फिर दोस्तों, एम्प्लॉई पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 4.40 गुना, और पॉलिसी होल्डर कोटा जो सब्सक्राइब हुआ है 6.12 गुना, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो जिन लोगों ने भी 6 लॉट लगाए हैं तो उनको 1 लॉट तो पक्का मिल जाएगा पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर, और अगर 12 लॉट लगाए हैं तो 2 लॉट पक्का मिल जाएंगे पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर। और रिटेल कैटेगरी के अंदर क्या है कि लॉटरी सिस्टम है, मतलब लॉटरी बेसिस पर है, कितने भी आपने लॉट लगाए हो लॉटरी के अनुसार जितने भी आपके लॉट खुलेंगे उतने आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट इतना क्यों डाउन जा रहा है, क्यों गिर रहा है, तो मार्केट गिरने के काफी सारे कारण है। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण है इंटरेस्ट रेट बढ़ना, और उसके अलावा वर्ल्ड के पूरे मार्केट के अंदर गिरावट है, पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर गिरावट है, सब जगह सेलिंग प्रेशर है। फिर दोस्तों, रशिया यूक्रेन का विवाद भी अभी तक सुलझ नहीं रहा है, ये भी जब तक नहीं सुलझेगा तब तक क्या है कि काफी चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे, और उसके अलावा काफी चीजों की कमी भी होगी, और काफी मार्केट जो है इफेक्टेड रहेंगे। फिर दोस्तों, एक और चीज ये कि जो अभी LIC का IPO आया है उसने इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी सक की है। 43,933 करोड़ रुपए प्लस 5600 करोड़ रुपए के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स का इतना पैसा एक साथ लगा है, इतना पैसा एक साथ ब्लॉक हुआ है, तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी भी सक हुई है, तो इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो अब देखिए, जो मार्केट के अंदर गिरावट है टेम्परेरी है, मार्केट वापस रिकवर कर लेगा, मतलब थोड़े दिनों के बाद वापस मार्केट के अंदर रिकवरी भी आएगी, मार्केट भी सुधर जाएगा, और ये सारी चीजें वापस नॉर्मल भी हो जाएगी। तो मार्केट गिरने का कारण भी आपको पता चल गया, अगर पता चला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर मार्केट डाउन है तो सभी जो IPO है उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम भी डाउन होंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी बहुत कम चल रही है, तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम ऑब्वियसली डाउन ही होंगे। तो आज जो LIC का IPO है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ज्यादा गिर गया है, लगभग 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो ये 15 शेयर का लॉट है, अगर 10 रुपए भी लेके चलते हैं तो 150 रुपए के आसपास ही 1 लॉट पर फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सिर्फ 1% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, प्लस डिस्काउंट कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत और ग्रे मार्केट का प्रीमियम बन जाता है, पर बाकी देखा जाए तो बहुत कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। फिर दोस्तों, जो रेनबो का IPO है उसका कहीं ग्रे मार्केट का प्रीमियम 10 रुपए के आसपास बता रहा है, कहीं डिस्काउंट के साथ खुलता हुआ बता रहा है। एवरेजली 10 रुपए भी मान के चलते हैं अगर डिमांड रह जाती है थोड़ी बहुत, और अगर डिमांड नहीं रहती तो डिस्काउंट के साथ भी खुल सकता है, पर हम एवरेजली 10 रुपए भी मान के चलते हैं। 27 शेयर का लॉट है, 10 × 27 करते हैं तो 270 रुपए के आसपास 1 लॉट पर फायदा बता रहा है। करीबन 2% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत कम है। और कर रेनबो की IPO की लिस्टिंग है, और मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर दोस्तों, जो प्रूडेंट का IPO है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार अच्छा बरकरार है, 30 से 32 रुपए आसपास चल रहा है। आज 30 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 23 शेयर्स का ये लॉट है, 30 × 23 करते हैं, लगभग 690 रुपए के आसपास हमें 1 लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 4% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम। फिर दोस्तों, जो डेलीवरी का IPO है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 बता रहा है। वीनस पाइप का IPO है उसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 बता रहा है, मतलब इनकी अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर गिरावट होने के कारण क्या है कि सारे IPOs के ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर इफेक्ट है, पर क्या है कि धीरे धीरे मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो क्या है कि ग्रे मार्केट के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाएगा। और बाकी ओवरऑल अभी यही हाल है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, सारी चीजें क्लियर कर दी है, और मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता ही रहता हूँ।
और दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, उससे आपकी हेल्प भी होगी। और अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।